हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने दुनिया में। तो देखिए, सुबह सुबह नहा धोवा के रेडी हो गए हैं। आज है सोमवार, देख रहे हैं। और कपड़ा उपड़ा भी इधर धो के सुखा दिए हैं। मैं भी धोई हूँ, लाला जी भी धोए हैं। मतलब मैं धोई हूँ, वो सुखाए हैं। तो हो गया ना दोनों जन का धोना। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे, क्योंकि लाला जी धो रहे हैं मंदिर। तो मंदिर धो के पूजा कर लेंगे। तो सारा काम खत्म हो गया था, तो मैं सोची व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि कोई कोई होता है ना तो दिखाने में थोड़ा आसान होता है, पर नहीं कोई है तो अपने से दिखाने में थोड़ा सा तो मुश्किल होता ही है। आप लोगों को तो पता ही है। तो इसीलिए सारा काम निपटा के तब जाके अपने धतूरे का फूल कितना मस्त खिला है, देख रहे हैं। और सुबह सुबह हल्की हल्की धूप भी निकल गई है आज तो। पहले पहले की अपेक्षा अच्छा ही है। चाची इधर साग साफ कर रही है, पालक का सरसौवा बड़का बड़का हो गई ना चाची, तो फूला जाता। मरीचो में कह तो फूला गया, तो कैसे उखाई उखड़ा जाएगी। अली दुल्हीन, अच्छा बिहा कह जा बीती परसों, तब ओकरा बाद। हाँ लाला जी इधर पूजा वाला बर्तन साफ कर रहे हैं, मंदिर का जो बर्तन है ना वो साफ कर रहे हैं। तो मैं चलती हूँ खेत में, थोड़ा सा फूल लेके आऊंगी। तो देख रहे हैं, मैं लाला जी को बोल रही हूँ गोभी काटूंगी, गोभी भी काटना था। मैं वो सोच रही हूँ कि जा रही हूँ तो सब्जी भी लेते आऊँगी। तो बोल रहे हैं कि आज डिटॉक्स रहेगा, यानी कि उपवास। आप लोगों को तो पता ही है कितना शीत पड़ा है भाई, जाने लायक नहीं है इधर से। इतना शीत पड़ा है, इतना ओस ओस। गांव में बोलते हैं हम लोग शीत, देख रहे हैं शीत बोलते हैं, पर ये है ओस, ओस के बूंदे। ओस के बूंदे के भी बहुत फायदे हैं। खेत से धनिया लेके जा रहे हैं चटनी पीसने के लिए। एकदम ताजा ताजा। दे देती हूँ लाला जी को फूल, मांग रहे हैं। सवेरे ही सवेरे ही कौन छोटा चाची जी। हाँ बबनी लोग कहाँ बनी लो, हाँ ये तब आराम बा ये घरिया। तो देखिए जो जो शादी हुआ था ना वही दूल्हा पूजा कर रहे हैं। आज चौठारी है। अब का भइल बियाह मोर करब का बोला अपना चाची जी। हाँ दूल्हा भी एग्री है, बोल रहे हाँ ये तो बात सही है, इतनी अच्छी लड़की मिली है। वो तो अच्छा लड़की मिलल बड़ी। बनिया आ रही है, उसी को देख रहे लाला जी। हाँ समय न के रहता, सब कोई हित ही ने तरह सब आदमी चल जाता लो अपना अपना घर है। तो भाई ये जो पूजा होता है ना, ये लास्ट में ना दूल्हा की मम्मी बच जाती है तो करती है, वैसे दो चार लोग रहता है तो और अच्छा लगता है। तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो आज शादी संपन्न हो जाएगा। हाँ दुल्हन खूब प्यार करी हम। हाँ दुल्हनों के मेहंदी देखने के खूब रचल बा। रउआ का हंस तरी रउआ दूल्हा भरल बड़ी का।
जगह से पूजा करके आ गए चाची जी और शंकर जी तो, और अब नयन माता की कुएं के पास भी पूजा होती है। चली आई नयन माता द्वार है, मनी रे मनी का दीपा सिंजला रसोई, हाथी के दांत नी लगे लगे वाड़। एक गाना चाची थोड़ा बहुत आता है हमको भी भाई। तो देखिए नयन माता का पूजा हो गया, नयन माता खुश, दुल्हा दुल्हन भी खुश। यो देखती है कैसे पूजा होता है। आई बस रोवा पूजा का गोगा नहीं की पूजा कर दी। अभी भैया भैया भैरव भैया हलो। देखिए यहाँ पे पूजा हो गया नयन माता का। तो भाई जा रही हूँ अभी पूजा कर लेने, अब नहीं दिखा पाऊंगी, दूसरे का पूजा दिखा दी अपना नहीं दिखा पाऊंगी। तो खाना वाना बन गया है दोस्तों, जल्दी से आप लोग भी तैयार हो जाइए क्योंकि एक भी बज गया है। तो देखिए यहाँ पे भात दाल सब्जी बना ली हूँ, अब मूली खाएंगे हम लोग। तो खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिएगा टाइम से। तो बच्चे नहीं है ना तो ऐसी थोड़ा बहुत ही बन जा रहा, बस हो गया। अब जानते ही हैं दो आदमी का खाना मतलब क्या खाना। जब तक देखा था नहीं तो माई कहाँ चल गई है। एक औरत रहे मकानी मेरी, यहाँ पे मम्मी थी अभी खड़ी, कहीं गई क्या वो? तो कह रही नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो पीछे पीछे लागो चल गाड़ी लो हमरा तो हाँ तो देख ले तो बोल ले बन चाची जी। बैठ गई तब जाके बाद में जनशंकर जी पे चढ़ा जाता मत उखाड़े, भांगवा मत उखाड़े। हाँ देख रहे घास निकाल रहे हैं कुतवा लड़के के तुर्जो तो का हो गई इन लोग बहुत छोड़ दे बनी दुगो तो मतलब ई का होई खार के खोर दे तो दुगो फिर सवेरे करम छोड़ दी सवेरे करम नहाई से पहले। अरे हम तो थोड़ा छोड़ खाली भंगे बेचारो बात में खाली ये सवेरे फेंक दे हम उठा के जाई खूब बढ़िया हो। देखो हम बाजार गए थे आलू प्याज लेने के लिए, शाम हो गया दोस्तों, दीदी भी इधर खेतों में है देख रहे हैं। सीमेंट आया हुआ है और ईंट, ये ना बाल उतारा जा रहा है। तो दिन का सब्जी बचा है दो तरह का दोस्तों, ये चटनी आंवले का रोटी बनाए हैं और खा लेते हैं, हम भी खाएंगे लाला जी भी खाएंगे। तो लाला जी भी नीचे से आ रहे हैं और उसके बाद सो जाएंगे। कुछ काम नहीं हो रहा है, बस थोड़ा बहुत वही जो हो रहा है घर का काम, वही रेसिपी एक भी नहीं बन रहा। ये तो शुक्र मनाइए कि पहले का रेसिपी है वही, मतलब जैसे कि पहले से मैं शूट करती हूँ ना तो
तो उसी में से रेसिपी है तो जा रहा है एक एक करके, नहीं तो एक भी रेसिपी नहीं बन रहा है। तो आप लोग भी टाइम से खा लीजिएगा, ज़्यादा रात को नहीं खाइएगा, 7 बजे से पहले पहले खा लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए रात भर खूब नींद से सोइएगा और सुबह एकदम फ्रेश उठिएगा।